हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है और बाहर का भी आप नहीं खाना चाहते तो आप कुछ ही मिनटों में इस तरीके से पोहे बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगता है और अगर घर में मूंगफली नहीं है तो उसके बिना भी आप इस तरीके से इंस्टेंट बना सकते हैं। मैंने यहाँ बिना मूंगफली के बनाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी पोहे लिए हैं, एक कटोरी मैंने लिया है आलू, वो मैंने कद्दूकस कर लिया है, और एक ही मैंने लिया है टमाटर, टमाटर भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि इस तरीके से बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई। ऐसे आप बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने यहाँ राई डाल दी है, थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें ही, और मैं डालूंगी 8 से 10 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं अपनी ग्रेवी डाल दूंगी यहाँ। मैंने टमाटर डाल दिए हैं और मैं आलू भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको हमें चलाना है, हमारा बस लग ना पाए कढ़ाई में। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि पोहे में भी बाद में नमक डालना है हमें। तो यहाँ मैंने पोहे डाल दिए हैं, आप चाहें तो प्याज लहसुन जो भी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है, तो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ी 1 चम्मच डाल दी मैंने हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए, और 1 ही चम्मच मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से बना लीजिए। अब हम अपने पोहे के मसाले को इसमें मिला लेंगे, अच्छे से चला लेंगे और हमारे पोहे झटपट बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पोहे रेडी हो गए ना।